गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल डिज़ाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए ये पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको दो कलर की ऊन, करोशिया हुक, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोशाक बनाने के लिए चोली मैंने पहले से ही बनाकर रखी हुई है। ये चोली मैंने 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाकर तैयार की है और इसके लास्ट में 28 डबल क्रोशी हैं। आप भी अपने साइज़ नंबर के अकॉर्डिंग ये चोली बनाकर तैयार कर लें और उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे वैसे आप करते जाएँ, तो आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए ये पोशाक बहुत ईजिली बना लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन अटैच करेंगे। तो ये मैंने वाइट कलर की ऊन ली है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने पिंक कलर की ऊन कट की थी, तो इसी चेन में इस तरीके से क्रोशिया हुक डालूंगी, लूप लूंगी और इसको यहीं पर अटैच कर लूंगी। अब एक चेन बनाएंगे और दो चेन और बना लेंगे, एक दो। ये चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। आप नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, तो इसी तरीके से एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से करते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। अब हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन में 1, 2, 3 स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच कर लेंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर अटैच हो गया। अब 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में 2। तो इसी तरीके से 2 चेन में 1 1 बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से करते हुए मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। अब हमने जो स्टार्टिंग में ये 3 चेन बनाई थी, 1, 2, 3, इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच कर देंगे। और नॉट लगाकर धागा कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर पिंक कलर की ऊन अटैच करेंगे। अब जहाँ से हमने ये धागा कट किया था, उसी चेन में क्रोशे हुक इस तरीके से डालेंगे, लूप लेंगे और ये पिंक कलर की ऊन अटैच कर लेंगे। इस तरीके से एक चेन बनाएंगे। अब 2 चेन और बनाएंगे, 1, 2। ये 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब इसी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन बनाने के बाद 1, 2, 3, 3 चेन स्किप करेंगे और 4थी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी चेन में 1 बार और बना लेंगे। अब 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखिए, 1, 2, 3, 4थी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी चेन में 1 बार और बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद में
छह चेन लेनी है और नीचे की साइड से तीन चेन स्किप करके चौथी चेन में दो बार डबल क्रोशे बनाना है और इसी तरीके से करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एक दो तीन इस थर्ड चेन में को स्लिप स्टिच बनाकर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। इसको अटैच करने के बाद अब धागे को थोड़ा लंबा करेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये दो डबल क्रोशे हैं तो इसके फर्स्ट डबल क्रोशे हमें हमें आठ बार धागा लेना है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ बार इस तरीके से धागा लेने के बाद अब हम इसमें से दो दो धागे निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दो निकाले, ये आठ बार इसी तरीके से करना है, दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ बार इस तरीके से मैंने ये निकाल लिए। ये देखिए अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसमें इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया है, इसी तरीके से यहाँ पर करना है, आठ बार धागा लेना है। तो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ बार इस तरीके से लेने के बाद अब दो दो करते हुए आठ राउंड में इसको निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ बार इस तरीके से निकाल दिया। अब ये देखिए हमारे क्रोशे के अंदर तीन लूप हैं तो तीनों को एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए एक पत्ती बन गई है इस तरीके से। अब ये जो इसके पीछे यहाँ पर ये चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनाने के बाद अब फिर से यहाँ पर ये डबल क्रोशिए हैं तो इसके फर्स्ट डबल क्रोशिए में आठ बार धागा लेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ बार धागा इस तरीके से लेने के बाद अब इनको दो दो करके निकालेंगे। ये एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ बार इस तरीके से निकाल लिया। अब इस तरीके से इसको घुमाएंगे और ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसके अंदर इसी तरीके से आठ बार धागा लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ बार इस तरीके से लेने के बाद दो दो करके इनको निकाल लेंगे। ये एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ। अब तीन लूप हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे।
और जो पीछे चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये पत्तियाँ बन जाएंगी। तो इसी तरीके से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप ये पोशाक एक और दो नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो बस आपको इतना ही वर्क करना है, उसके बाद में इसको कंप्लीट कर देना है। और अगर आप ये पोशाक उससे ज़्यादा नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊँगी वैसे आपको करना है। तो इस तरीके से करते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने अटैच किया था, तो इसके अंदर इस तरीके से क्रोशिया हुक डालेंगे ये देखिए यहाँ पर, और स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच कर देंगे, नॉट लगाकर धागा कट करेंगे और यहाँ पर वाइट कलर की ऊन अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये धागा कट किया था पिंक कलर का, तो यहीं पर क्रोशिया हुक इस तरीके से डालूंगी और लूप बनाकर इसको यहाँ पर अटैच कर दूंगी। और यहाँ पर तीन चेन बनाऊंगी, एक दो तीन, इस तरीके से ये चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये चेन बनी हुई है, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया, अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, तो इस तरीके से यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बनाएंगे, और ये देखिए इसको स्किप करेंगे, सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे। ये जो यहाँ पर चेन बनी हुई है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बनाएंगे, नेक्स्ट में दो बनाएंगे, अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक, तो इसी तरीके से करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए मैं अपने वर्क के लास्ट में आ गई हूँ। अब हमने जो स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी, एक दो तीन, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच करेंगे। तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में एक बार और नेक्स्ट में दो बार। तो इसी तरीके से करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम प्रोसेस से मैंने दो राउंड बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम वर्क के लास्ट में हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में तीन चेन बनाया था उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच करेंगे और नॉट लगाकर धागा कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर पिंक कलर की ऊन अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस चेन से ये धागा कट किया था, तो इसी के अंदर क्रोशिया हुक इस तरीके से डालूंगी, लूप लूंगी और यहाँ पर तीन चेन बना लूंगी। एक दो तीन, ये चेन एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही जगह पर दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम यहाँ पर छह चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और छठी चेन में डबल क्रोशिया बनाकर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और अब छह चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः,
और ये देखिए 1 2 3 4 5 और छठी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार बनाया और ये दूसरी बार, तो इसी तरीके से करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये राउंड पूरा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिये हैं, तो इसमें से फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर क्रोशिया को किस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। अब धागे को बड़ा करेंगे और यहाँ पर 8 बार धागा लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से धागा लेने के बाद अब हम दो दो करके इनको निकालेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 बार इस तरीके से इसको निकालने के बाद अब इस तरीके से इसको घुमाएंगे और यहाँ पर जो ये सेकंड डबल क्रोशिया है इसके अंदर 8 बार धागा डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से 8 बार धागा डालने के बाद अब दो दो करके इनको निकालेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से इनको निकाल दिया। अब ये 3 लूप हैं तो तीनों को इस तरीके से एक बार निकाल देंगे और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से ये एक पत्ती बन गई है। और अब इसको जो हमने यहाँ पर ये चेन बनाई हुई है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाकर अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो कि हमने यहाँ पर किया था। अब इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाने के बाद यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिये हैं तो इसमें से फर्स्ट डबल क्रोशिये के अंदर ये देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसी तरीके से 8 बार धागा लेंगे और जिस तरीके से हमने ये पत्ती बनाकर तैयार किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी बना लेंगे और ऐसे ही करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से करते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने स्टार्ट किया था तो इसमें स्लिप स्टिच बनाकर इसको अटैच कर देंगे और नॉट लगाकर धागा कट कर लेंगे। अब इसमें वाइट कलर की ऊन अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अटैच करके थोड़ा वर्क कर रखा है लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसको हम कहीं भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये जो हमारी पत्ती बनी हुई है इसका ऊपर वाला सिरा, ये वाला सिरा जहाँ पर हमने इसको कट किया है उसी में मान लीजिए उसी में हम इसको वाइट कलर की ऊन को अटैच करेंगे। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मान के चलो मैंने यहाँ पर इसको अटैच करके रखा है। अब हमें क्या करना है, ये इस चेन में मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिये बनाए थे तो इसके 1 2 और ये 3 तीसरे सिंगल क्रोशिये के अंदर डबल क्रोशिये बनाने हैं। थोड़ा लंबा लंबा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ डबल क्रोशे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमारी ये नेक्स्ट पत्ती है, इसका जो ये ऊपर वाला सिरा है इसके अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाकर मैंने ये अटैच कर दिया। अब ये देखिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 9 बार। ये पत्ती है तो इसके ऊपर वाली पोर्शन में हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगा। और ये डिज़ाइन पूरे राउंड में बनाने के बाद हमें क्या करना है, हम इस पोर्शन में ये देखिए यहाँ पर ये चेन है इसमें पिंक कलर की ऊन अटैच करेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर की हुई है ये देखिए। तो हमें क्या करना है, फिर अटैच करने के बाद सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अटैच किया और इसके अंदर मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया। ये और ये 8 8 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए मैंने ये इसको अटैच किया था तो इसी चेन में क्रोशिया हुक डाल लेंगे, लूप लेंगे, थोड़ा धागा लंबा करके रखेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना देंगे। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जब तक मैं ये सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसकी आउटलाइन कर ली है। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना हुआ है तो इसके अंदर इस तरीके से क्रोशिया हुक डालेंगे, थोड़ा लंबा करके धागा रखेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से इन पत्तियों की आउटलाइन हो जाएगी। तो चलिए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।